नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात कर रहे हैं न्यूरोथेरेपी के डायग्नोस को लेकर, न्यूरोथेरेपी का डायग्नोस और खास तौर से पेट की समस्या को लेकर, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों को पेट की समस्या है। बहुत सारे लोगों को पेट से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या तो जरूर है, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे वो IBS हो, लूज मोशन हो, कोलाइटिस हो, या मोशन का बार बार आना हो, चाहे वो पतला हो, चाहे वो उसमें कॉन्स्टिपेटेड हो, और एसिडिटी, गैस जैसी समस्याएं भी पेट से ही शुरुआत होती हैं। अगर हम बात करें तो शरीर की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या का कारण आपका पेट है, और न्यूरोथेरेपी में सबसे पहले हम पेट पर ही काम करते हैं, यानी कि पेट की ही समस्या का समाधान करते हैं। अगर आपका पेट ठीक है तो आपकी सारी समस्याएं ठीक हो सकती हैं, और अगर आपका पेट खराब है तो आप अपनी समस्याओं को कहीं भी ठीक करा लीजिए, वो वापस लौट कर आएगी ही आएगी, क्योंकि सभी प्रॉब्लम्स का रॉ मटेरियल सॉल्यूशन के लिए आपको पेट से ही मिलेगा, चाहे वो हार्मोनल समस्या हो, चाहे वो आपको कैल्शियम से रिलेटेड हो, बोन्स की समस्या हो, या आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो, ये सब का संबंध कहीं ना कहीं पेट से होता है। अब पेट में न्यूरोथेरेपी डायग्नोस करते समय, चूंकि हमारा पेट का हर हिस्सा किसी न किसी ऑर्गन को बताता है, किसी न किसी ऑर्गन के फंक्शन को बताता है, इस वीडियो में हम बात करेंगे पेट के कौन से हिस्से में किस ऑर्गन की हमें जानकारी मिल सकती है, या पेट के किस नेचर की बात कर रहे हैं, या किस तरीके के नेचर की जानकारी मिलेगी। तो उसके लिए हम जब भी पेट को चेक करेंगे, खाली पेट करेंगे या खाना खाने के 4 से 5 घंटे बाद ही चेक करेंगे। पेशेंट रिलैक्स होना चाहिए, कपड़े बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होने चाहिए, रिलैक्स कपड़े पहने हैं, और उसके बाद आप अपने पेट को चेक करा सकते हैं। तो कैसे चेक करेंगे, आइए देखिए। कपड़े लूज होने चाहिए, आप इस तरीके से देख रहे हैं कि ये नाभि का हिस्सा है, अगर मैं बात करूं तो ये नाभि का हिस्सा है, और ये इनका रिब्स का हिस्सा है, ये रिब्स का हिस्सा है, यहाँ से ये रिब्स इधर की तरफ है, और ये रिब्स ऊपर से इस तरीके से नीचे की तरफ मिलती हैं। हम बात करें, ये पेल्विक बोन का हिस्सा है, यहाँ से ये लोअर एब्डोमन है, आप देख रहे हैं। अब इसमें अगर हम समझें तो इसी के बीच की, जैसे मैंने ये बाउंड्री बनाई है, आप देख रहे हैं, ये मैंने एक बाउंड्री बना दी है, इसी के हिस्से को, यानी कि इस बाउंड्री के अंदर के हिस्से को हम स्टमक या पेट का हिस्सा कह सकते हैं। इसमें कुछ ऑर्गन्स की जानकारी आपको दूंगा कि कहाँ किस ऑर्गन की गड़बड़ी से आपको पेट में दर्द हो सकता है। अगर नाभि हमारी जो डायग्नोस करते समय इसी सर्कल के बीच में आनी चाहिए, यानी कि जब हम नाभि की धड़कन को महसूस करें तो यहीं पर नाभि की धड़कन महसूस होनी चाहिए। नाभि अगर अपनी जगह पर नहीं है तो ये ऊपर जा सकती है, ये नीचे जा सकती है, ये दाएं जा सकती है, ये बाएं जा सकती है। जहाँ मैंने ये सर्कल घुमाया है, मैंने नाभि के चारों तरफ एक सर्कल, 4 सर्कल बनाए हैं, नाभि इतने ही एरिया में जा सकती हैं, नाभि का जो दायरा है वो इतने ही एरिया में है, नाभि बहुत ज़्यादा ऊपर कभी ऐसे नहीं, यहाँ नहीं जा सकती, यहाँ नहीं जा सकती, क्योंकि नाभि का दायरा भी एक फिक्स है। अगर आपको नाभि की धड़कन यहाँ महसूस नहीं होगी तो नाभि की धड़कन आपको यहाँ महसूस हो सकती है, यहाँ महसूस हो सकती है, या यहाँ हो सकती है, या यहाँ हो सकती है। उस कंडीशन में हमने नाभि को ठीक करना है, उसको सेट करना है, तो नाभि का दर्द आपको इस हिस्से में रहेगा। बहुत सारे लोगों को इतने ही हिस्से में दर्द रहता है नाभि के चारों तरफ, तो यानी कि कहीं ना कहीं वो नाभि से संबंधित समस्या है, हमने उसको ठीक करना है। आप ये ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं, ये यहाँ पर ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा कोड़ी का हिस्सा है। यहाँ पर कोड़ी का डायग्नोज होगा जब हम पेशेंट को यहाँ दबा कर देखें, और यहाँ पर अगर दर्द है तो उस समय पर हम समझना चाहिए कि कोड़ी अपनी जगह से खिसक गई है, या कोड़ी अपनी जगह से हट गई है। अगर हम यहाँ से इतने हिस्से को देखें तो ये जो हिस्सा है, ये पैंक्रियास का हिस्सा है, ये पैंक्रियास का पॉइंट है, पैंक्रियास के यहाँ दर्द, आपको पैंक्रियास का दर्द होगा, यानी कोड़ी से नीचे पैंक्रियास का दर्द है, इस हिस्से में दर्द है, तो यहाँ मेजर जो ऑर्गन है वो पैंक्रियास है। यहाँ से अब हम इस रेखा से नीचे रेखा खींच दें, और यहाँ से हम एक नीचे रेखा खींच दें, तो ये जो हिस्सा है, यानी कि अगर मैं इस तरीके से एक ब्लॉक बना दूँ, तो ये वाला जो ब्लॉक है, यानी कि ये जो खाना है, ये लीवर का है, यानी कि ये जो बॉक्स है, ये लीवर का बॉक्स है। तो यहाँ मैंने एक बॉक्स बना दिया, ये लीवर का बॉक्स है। ये जो बॉक्स है, ये हमारा, अगर मैं रिब्स के साथ में चेक करूँगा, तो ये हमारा
गॉल ब्लैडर का बॉक्स है, यानी कि गॉल ब्लैडर साथ में लीवर के होता है, तो ये वाले बॉक्स में अगर दर्द है आपको तो यहाँ पर हम चेक करें तो ये हमारा गॉल ब्लैडर का दर्द होगा, यानी कि गॉल ब्लैडर ठीक से काम नहीं करेगा। नीरोथेरेपी में हमने पेट के अलग अलग हिस्सों को एक ऑर्गन का नाम दिया है। ऐसे ही अगर हम इस डायरेक्शन में देखें तो ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा हमारा स्प्लीन का है, और इस बॉक्स की अगर मैं बात करूं, यहां से मैं ये बॉक्स ऐसे खींच दूं तो ये जो वाला वो जो बॉक्स है ये म्यूकस का है। यहां पर हमें सबसे ज़्यादा म्यूकस की आवश्यकता होती है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन यहां पर हो सकता है, तो यहां पर म्यूकस हमारा फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर यहां दर्द है तो यानी कि म्यूकस का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो रहा और आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। अगर हम यहाँ से इस बॉक्स की बात करें, ये जो नाभि तक का हिस्सा है, तो यहाँ से अगर हम इस बॉक्स की बात करें तो पहला बॉक्स हमारा जो है ये गैस ओनली का है, यानी कि हम यहाँ पर इसको बोलते हैं गैस ओनली। जो हमारा स्टमक से रिलेटेड है, यानी कि पेट से संबंधित है, ये हमारा हिस्सा जो है वो पेट का हिस्सा है। ज़्यादातर लोगों को इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, गैस की, आपको एसिडिटी की समस्या इसी पेट के हिस्से में होती है, और यहीं पर गैस बनने की पर यहाँ पर भारीपन आ जाता है, यहाँ पर अटक जाता है, या यहाँ पर आपको बेचैनी होने लग जाती है। इस हिस्से से लेकर नाभि तक का हिस्सा जो ये था, ये जो चारों तरफ का हिस्सा है, ये इंटेस्टाइन का हिस्सा है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन यहाँ खींच दूँ तो ये जो बॉक्स बना, आप ये देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा बॉक्स क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है, यानी कि इसके चारों तरफ क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन होगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, और अगर यहाँ दर्द है इस बॉक्स के अंदर है तो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में कहीं ना कहीं मोशन से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है, यानी कि यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट गड़बड़ कर सकती है। ये जो हिस्सा है ये हमारा WD का हिस्सा है, यानी कि ये लोअर एब्डोमेन का हिस्सा है। ये हमारा WD का हिस्सा है, ये हमारा WD प्रोस्टेट का, मेल के अंदर प्रोस्टेट का हिस्सा है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये अपेंडिक्स का हिस्सा है। अगर हम इधर के कॉलम की बात करें तो ये सिग्मोइड कॉलन का हिस्सा है। यहाँ कॉन्स्टिपेशन होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, यहाँ पर इन्फेक्शन होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, तो कई बार यहाँ इन्फेक्शन होता है, यहाँ कॉन्स्टिपेशन होता है। ये हमारा यूट्रस का हिस्सा है, WD का हिस्सा है, प्रोस्टेट का हिस्सा है। तो आपने देखा कि हमने पूरे पेट को कोई ना कोई हर हिस्से को एक नाम दिया है, और अगर हमारे उस हिस्से में दर्द है तो हम उस हिस्से को प्रेस कर ये पता लगा सकते हैं कि हमारे कौन से हिस्से में दर्द हो रहा है। पेट को सही तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं, और पेट के किस हिस्से में दर्द आ रहा है हम इस तरीके से देखें तो हमें ये जानकारी मिल जाएगी, कि हमारे पेट के किस हिस्से में दर्द हो रहा है और हमें कौन से पॉइंट से उसका दर्द निकालना है। हम पैर की उंगलियों से शरीर के अंगों के ऊपर अलग अलग तरीके से प्रेशर देकर, पैर की उंगलियों को स्टिमुलेट कर उस हिस्से का दर्द निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरा जो भी मैंने आपको बॉक्स बताया, जो जो खाने बताए, इन सब के लिए कोई ना कोई पॉइंट है, जिन पॉइंटों को प्रेस कर हम वहाँ ब्लड सर्कुलेशन को भेज सकते हैं। यानी कि आपके किसी भी बॉक्स, जो मैंने जितने भी बॉक्स बनाए हैं, इन बॉक्स में कहीं भी किसी भी तरीके का पेन आता है डायग्नोस करने पर, तो हमारे पास उसका ट्रीटमेंट है, उसका पॉइंट है, उन पॉइंटों को अलग अलग माध्यम से हम प्रेस कर वहाँ सर्कुलेशन भेज कर आपके पेट के दर्द को ठीक कर सकते हैं। आप किसी भी बीमारी का इलाज करा रहे हैं, सबसे पहले आपको पेट का आपको अपना डायग्नोस कराना चाहिए कि पेट के किसी हिस्से में दर्द तो नहीं है। चाहे आप घुटने का दर्द करा रहे हैं, चाहे आप कमर का करा रहे हैं, चाहे आप सर्वाइकल का करा रहे हैं, सिर दर्द का करा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपके डायग्नोस सबसे पहले पता चलेगा कि पेट आपकी क्या कंडीशन में है। पेट के बारे में कहा जाता है कि पेट ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल मुलायम होना चाहिए। पेट के बारे में कहते हैं कि पेट हमेशा मुलायम होना चाहिए, और जितना मुलायम पेट जिसका होगा उतना ही उसका सारे पेट के ऑर्गन्स अपना काम कर रहे होंगे। और पेट की जो कंडीशन है, नेचर क्या होना चाहिए कि आप जो मर्जी खा लें पेट उसको पचा सके। तो पेट, हमारा पेट जो है लक्कड़ हजम और पत्थर हजम वाली कंडीशन को पूरा करना चाहिए। अगर इस तरीके का आपका पेट है तो आप निश्चित तौर पर बीमारी से बच सकते हैं। ये नीरोथेरेपी का डायग्नोस है, बहुत यूनिक डायग्नोस है, और इस डायग्नोस के आधार पर हम हर बीमारी का समाधान की शुरुआत करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।